For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराह उस्मान है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मैं आज आपको कोरोना वायरस के हवाले से कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंद एक ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंद एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले है वाइटामिन सी। वाइटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है जो कि हीट करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे लिए 75 to 90 मिलीग्राम है अडल्ट्स के लिए, और इसकी रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि स्मोकिंग कुछ रिसर्च से साबित हुआ है कि स्मोकिंग करने वालों में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो उन्हें अपनी डेली रिक्वायरमेंट से 35 मिलीग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। विटामिन सी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट सी लें। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी डेली की रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, और अगर आप वो अपनी डाइट का हिस्सा बना रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी विटामिन सी की सारी ज़रूरत पूरी हो रही है। इसके चंद एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप एक दरमियाने साइज़ का ऑरेंज किन्नू माल्टा जो होता है वो अगर आप एक रोज़ाना खाते हैं, तो एक किन्नू में 70 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है। इसी तरह से अगर शिमला मिर्च हाफ कप आप लेते हैं, तो हाफ कप शिमला मिर्च में 60 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है। अब आगे जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो अमरूद का और अमरूद और आम हो गया और लीमू, इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। अमरूद एक कप लेने से आपको 377 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट से भी कहीं बढ़कर है। लीमू, एक लीमू में आपको तकरीबन 44 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी मिल जाता है। इसी तरह से मैंगो है, मैंगो अगर आप एक कप लेते हैं तो आपको तकरीबन 60 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। ज़रूरी बात यह है कि आपने विटामिन सी के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में लेनी है, मतलब कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खाने हैं, क्योंकि ये कुक करने से, हीट से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से आपको हासिल होता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है फॉर अडल्ट्स, और ये डेयरी, एग और फिश से आपको हासिल होता है, लेकिन इसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट का ये है कि अगर आप रोज़ाना 10 से 30 मिनट तक सनलाइट में अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करके, जैसे हाथ, बाजू, पांव, कुछ बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करके अनकवर्ड अगर आप सनलाइट में बैठते हैं फॉर 10 to 30 मिनट्स, तो आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जिंक। जिंक जो है, इसके लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास होल ग्रेन जैसे कि गंदुम है, और मीट और चने जो हमारी डाइट का हिस्सा हैं, नट्स में बादाम, काजू, इन चीज़ों में जिंक काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिलीनियम। सिलीनियम भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे पास मीट और नट्स में इसकी काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। अगर हमारी डेली डाइट में ये शामिल है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए सेपरेटली कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पे गार्लिक मैं बहुत रिकमेंड करूँगी, गार्लिक भी और जिंजर भी। हम पाकिस्तानियों की तो डाइट का एक स्पेसिफिक हिस्सा है जिंजर और गार्लिक, और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। किस लिए? क्योंकि गार्लिक है जो, ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। इसी तरह जो जिंजर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे एक्ट करता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। सेवन्थ पे हमारे पास आ जाता है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भी हमारे खानों में यूजली होता है, तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस है, जैसे कि आपको कोई कोल्ड है या कोई फीवर या कोई इस तरह की आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हल्दी आपकी बॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है।
एट पे हमारे पास होता है एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज जो कि आप घरों के अंदर कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बारे में ये कहा जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम सेल्स को मोबिलाइज करती है और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी पे, वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक करता है। स्ट्रेस रिडक्शन क्योंकि आजकल के पैनिक के दौर में मुश्किल है स्ट्रेस को कम करना, तो इसके लिए आप सिंपल मेजर्स ये कर सकते हैं कि आप घर में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग टेक्निक से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। स्ट्रेस फ्री रखें, अपने फियर को कम करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और स्लीप बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की स्लीप रिकमेंडेड है फॉर एडल्ट्स। कुछ रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम स्लीप लेते हैं रोज़ाना, उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और कोल्ड्स, फ्लू वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब उन्हें ये ज़्यादा मर्तबा होता है। और लास्टली हर्बल टीज जैसे कि जोशांदा वगैरह हो गया और इस तरह की दूसरी हर्बल टीज जो हैं, ये इम्यूनिटी को बहुत हेल्प करती हैं। इनमें यूकेलिप्टस होता है और यूकेलिप्टस भी इम्यूनिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होता है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपकी डेली लाइफ में मौजूद होनी चाहिए और आपको डिफरेंट किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करती हैं। मेरा नाम डॉक्टर फराह उस्मान है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।